वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी आए हैं जेडे ट्रांसपोर्टर आ जेडे स्कूलों के ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते उन्होंने वालों एक प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों तो सड़क के किनारे गड्डिया ला के किया जा रहा। प्रोटेस्ट किस गल का? प्रोटेस्ट है अपने रुजगार को बचाने का तो बच्चों के भविख को बचाने का। तुसी देख सकते हो कि पंजाब दे विच हर थां दे उत्ते रैलियां जारी है। नेता जिन्ने भी हैगे आ राजनीतिक लीडर घरां च जाके थां थां जाके अपने चोण दा प्रचार कर सकदे आ, पर स्कूल बंद ने। सरकारी टीचर जिहड़े टीचर है वह इन्हां राजनीतिक लोकां दे वास्ते स्कूल खोल के बैठे आ, वक् वक् थावां दे उत्ते इन्हां दीआं वोटां बना रहे आ, वक् वक् तरहां दीआं सेवा जिहड़ियां आ सेवावां उह दे रहे आ, पर बच्चों के भविख में दाँ से ला के इन राजनीतिक लोगों ने एक कोरोना के नाँ के उत्ते स्कूल बंद है। बच्चों का भविख जिहड़ा हनेरे च छड्या जा रहा है, तो उन्होंने नाल जुड़े रुजगार जिहड़े आ उन्होंने चल चल मरन लई छड्या जा रहा। जो साडी जिहड़ी अपील है सरकार नू, अपील कहदी है चेतावनी है कि आजाद किसान कमेटी बिल्कुल इन भरावां दे नाल डट के खड़ी है। जेकर ये कोई भी तिखा प्रोग्राम देंगे किसी तरह का भी प्रोटेस्ट की गल करते हैं तो असं इन्हों मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़े हैं, क्योंकि जेडे बच्चे आडे बच्चे है, साडे बच्चों का भविख हनेरे च है। इन राजनीतिक लोगों ने करोने के नाँ पर जिहड़ियां रोटियां सेकियां ते किरती लोगों के मूँह चो रुजगार खोया उन्होंने लेना देना इन्हों देना पैना है, सरकारों देना पैना है। वो माँ बाप जिहड़े घर च बैठे है जिहड़े फीसां दे रहे हैं, बच्चे घर च बैठे है फीसां स्कूलों नू जा रही, उन्होंने सारिया ही माँ बाप नू बेनती है इन्हां भरावां दा साथ दिओ, क्योंकि इस देश दे विच सिर्फ ते सिर्फ सानू जिहड़े मजदूर बनाउण दी जिहड़ी चाल है इस देश दे हाकमां दी। क्योंकि जेकर असीं पढ़ांगे नहीं, जेकर साडे बच्चे नहीं पढ़नगे ते वह मजदूरी करनगे। यही किसान अंदोलन दे विच देखिया जा रहा सी कि साडे हत्थां दे विचों साडा रुजगार खो के साडे बच्चों के हत्थों चों किताबां खो के उन्हां दे हत्थां दे विच जिहड़ी सीधी सीधी लेबर करन जां खेतां दे विच मजदूरी करन वाले औजार बनाए जाण दी जिहड़ी कोशिश सी, असीं एक थां दे उत्ते जित हासिल कीती है। हुण बच्चों के भविख दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ हो रहा वह बिल्कुल नहीं होण देंगे। इन्हां भरावां दे नाल जिहड़े भी ट्रांसपोर्टर हैगे आ जिन्ने भी स्कूलों के इन्हां दे संघर्ष के नाल मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़े हैं, तो इन्हों भरोसा दवाने हैं जिस दिन भी आवाज मारोंगे असी तुहाडे नाल बिल्कुल दिन भी ते रात भी खड़े हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगह जिहड़ी है ये दूए दे विच मैकडोनल्ड दे लागे तो टक्कर साहब गुरुद्वारा साहब के विचकार जिहड़ियां बसां लगियां हुई हैं, तो लाचोवाल टोल प्लाजे के उत्ते उत्थे भी इसे तरह प्रोटेस्ट चल रहा, कई सौ बसां जिहड़ियां उत्थे भी खड़ियां, मानगढ़ तो गढ़दी वाल नूं उत्थे भी बसां खड़ियां, तो नंगल शहीदां टोल प्लाजे के उत्ते भी बसां खड़ियां। जिथे जिथे भी साडी जथेबंदी दा आधार है असी हर जगह इन्हां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हैं, क्योंकि साडे बच्चों का भविख भी जिहड़ा इस सारे अंदोलन दे नाल संघर्ष दे नाल जुड़िया होया। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहले तो मैं भाई साहब भाई अमरजीत होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने साडे संघर्ष विच आ के सानू समर्थन दिता, तो इत्थे आए ने तो बहुत सोहणियां गल्लां कीतियां ने, दस्या कि हालात ने इस वक्त सरकारां साडी जिहड़ी आ उह भोरां नहीं सुन रही। इत्थे सिर्फ बच्चों का ही फ्यूचर नहीं है, इत्थे साडे वर्गे जिहड़े ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर कंडक्टर होर लेडी हैल्पर ने सारियां दा रुजगार जिहड़ा है वह सरकारी तौर पर खोया जा चुका। ठीक है जी, असीं चाहुंदे आ कि साडी भी आवाज़ जिहड़ी है सुने सरकार, जे तुसीं साडी आवाज़ नहीं सुनदे तो फिर सानू कोई तिखा एक्शन जिहड़ा है वह लैना पवेगा। साडी बेनती है सरकारां नूं भी, ठीक है जी, इस वक्त डीसी साहब के अंडर सारी पावर है, उन्होंने भी बेनती है कि एज़ सून एज़ पॉसीबल साडा कोई हल किया जाए, नहीं तो फिर असी सड़कों के उत्ते आउण नूं मजबूर हो जाएंगे। यही गल कहिंदा होया आप जी का बहुत धन्यवादी हाँ, भाई साहब होर का बहुत बहुत धन्यवाद है इतने आने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।